एवरीवन, मैं श्वेता श्वेता कुकिंग जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए भोग थाल, जो बहुत ही कम समय में और आसानी से बन जाता है। तो आइए देखिए बनता कैसे है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे करें मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ प्लीज़ शेयर करें और हमें कमेंट करें। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पंचामृत। इसके लिए हमने दूध लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़, लगभग आधा छोटा चम्मच जितना, थोड़ा सा गंगा जल, लगभग 5 से 6 बूंद, 5 से 6 बूंद घी, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा मध। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पंचामृत रेडी हो गया है। अब जिस कटोरी में हमें भोग लगाना है वो कटोरी हम ले लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पंचामृत। अब इसमें हम डालेंगे 4 मखाना, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये लीजिए हमारा पंचामृत भोग तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स भोग। पैन को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच घी। फ्लेम को मीडियम रखें। अब इसमें हम डालेंगे मखाना और इसे हम रोस्ट कर लेते हैं क्रिस्पी होने तक। यह हमारा मखाना रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे काजू, लगभग 10 दाना, 10 दाना बादाम, ये हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये लीजिए हमारा ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का भोग भी रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट मखाने का खीर। ये मैंने गरम दूध लिया है, इसमें मैंने चीनी डाल दिया है, गरम जब दूध गरम कर रही थी तभी। अब इसमें हम मखाना का चूरा डाल देंगे। ये लीजिए इसे हम 5 मिनट रहने देंगे। ये हम कटोरी में निकाल लेते हैं। ये हमारा मखाना का खीर भी रेडी हो गया, इंस्टेंट मखाने का खीर। अब इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, बादाम और काजू। ये हमारा इंस्टेंट मखाने का खीर भोग तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे पंजड़ी। पैन को गर्म कर लिया मैंने, इसमें हम डालेंगे धनिया। फ्लेम को मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पे हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यह हमारा धनिया रोस्ट हो गया, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसे हम मिक्सी जार में ले लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 छोटा चम्मच चीनी। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं। अब इसे हम पीस लेते हैं। ये लीजिए हमने पीस लिया है, हमारा रेडी हो गया पंजड़ी। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, रोस्टेड चूरा मखाने का, काजू और बादाम मैंने कट कर लिया है, वो भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम कटोरी में ले लेते हैं जिसमें हमें भोग लगाना है। ये हमारा पंजड़ी का भोग भी तैयार हो गया। अब हम लड्डू गोपाल का खास भोग लगाएंगे, बहुत ही पसंदीदा भोग है ये, माखन मिश्री। ये हमने घर की दही से ही माखन निकाला है और इसमें हम थोड़ा सा मिश्री डाल देते हैं। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा माखन मिश्री का भी भोग तैयार हो गया।
अब हम तैयार करते हैं आटे का हलवा। पैन को गरम कर लिया, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और गेहूं का आटा, ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, आप देख सकते हैं। आपको जितना बनाना है उस अनुसार ले लें। और इसे भी हम भून लेते हैं, इसका कलर चेंज होने तक, अच्छा सा पिंक कलर आ जाना चाहिए। ये देखिए हमारा भुन गया है आटा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, एकदम लो फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे और पानी डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच चीनी। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच और आप बढ़ा सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें जब तक कि चीनी पिघल ना जाए। ये हमारा मिक्स हो गया है, चीनी अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे भी हम कटोरी में निकाल लेते हैं जिसमें हमें भोग लगाना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं, डाल देते हैं, जिससे हमारा देखने में हलवा खूबसूरत लगे। ये देखिए हमारा हलवे का भोग भी तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे बादाम का लड्डू। बादाम को सबसे पहले हम रोस्ट कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, ड्राई रोस्ट करना है हमें। ये देखिए बादाम हमारा रोस्ट हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब इसी पैन में हम डालेंगे गुड़, लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी, और इसे हम अच्छे से पिघलने देते हैं। देखिए पिघल गया है। अब हम बादाम का छिलका निकाल लेते हैं। एक कपड़े में हम बादाम को ले लेते हैं, इस तरह से उसे हम मसल कर सारा छिलका निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से सारा छिलका निकल जाता है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें वरना हमारा चाशनी जो सीरा है वो जल जाएगा। और हम बादाम को निकाल लेते हैं। ये देखिए सारा छिलका अच्छे से निकल गया है, आप देख सकते हैं। अब हम बादाम को डाल देते हैं अपना चाशनी में। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड मखाने का चूरा, बादाम कट किया हुआ और थोड़ा सा काजू, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम जिस प्लेट में हमें लड्डू को रखना है उसे हम घी से ग्रीस कर लेते हैं, चिकना कर लेते हैं, और हाथों को भी अच्छे से चिकना कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेंगे और अच्छा सा हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम लड्डू को तैयार करेंगे। ये देखिए लड्डू हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हम सभी को तैयार कर लेंगे। हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा ना करें, जितना आपका हाथ बर्दाश्त करे उतना बड़ गर्म होना चाहिए। ये देखिए हमने सारे लड्डू को तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम कटोरी में निकाल लेते हैं। ये हमारा बादाम का लड्डू का भोग भी तैयार हो गया है। अब मैं आपको सभी को प्लेट में रख के दिखाती हूँ, थाल में। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा भोग थाल।
तो बहुत ही कम समय में आसानी से बन जाता है, झटपट बन जाता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करें कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। और हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।